ओम शांति। भगवान का बनने के बाद कई बार बहुत सारी ब्राह्मण आत्माओं के मन में एक संकल्प बार बार आता है, बाबा हम आपके बन गए, उसके बाद हमारे जीवन में समस्याएं क्यों, हमारे जीवन में फिर उसके बाद इतनी विकट परिस्थितियां क्यों, फिर हमारे सामने कोई परेशानी क्यों आ रही है। बाबा ने इसका बहुत सुंदर उत्तर दिया है। मीठे बच्चे, जो आत्माएं जितनी अधिक पुण्य आत्माएं बनती हैं अर्थात ऊंच पद पाती हैं, वही आत्माएं कलयुग में उतनी ही ज़्यादा पाप आत्माएं भी बनती हैं, अर्थात हमारे ऊपर पापों का बोझा बहुत अधिक है। इसलिए बाबा आए हैं हम सभी को योग बल से इन पापों से मुक्त करने के लिए। इसलिए हे महान आत्माओं, दुखों के लिए भगवान को ना कोसो, ना वक्त को कोसो, लेकिन इस बात को याद रखो कि धन्य है ये दुख भी जिसमें हमें भगवान की याद आती है। अगर दुख नहीं होता तो शायद हमें भगवान याद ही नहीं आता, और ये समस्याएं और ये दर्द नहीं आता तो हमें शायद इस संसार की माया चकाचौंध अपनी तरफ खींच लेते। इसलिए साक्षी होकर के भगवान का धन्यवाद करते हुए योग बल से अपने हर पाप कर्म को आहुत चुकतु करते चलें, क्योंकि अब इस कलयुग की अंतिम घड़ियां चल रही हैं।